नमस्ते, मैं खुशबू यादव। फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और हम हैं दूल्हा त्योहार, फिल्म का नाम है, और हम यहाँ पे सहजनवा में शूट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें शूट करके यहाँ पे, आज फर्स्ट डे है। हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं दिलीप चांद जी और प्रोड्यूसर हैं व्यास मुनि जी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर, और बहुत अच्छे से यहाँ पे उन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। दुल्हन बनने जा रही हूँ जी। किसकी दुल्हन? जो विशाल सिंह हैं उनके, मतलब उनकी भाभी का कैरेक्टर है मेरा, उनके भाई का दुल्हन। खुशी तो बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शादी का तो माहौल ही खुशनुमा होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने ज़माने का जो बाजा है, ढोल है, फिर वो पालकी आया हुआ है दुल्हन को जाने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो ऐसे मतलब ओल्ड फिल्म्स जो देखने को मिलता था, ऐसा हम शूट कर रहे हैं, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ काम करके और ऐसे स्टोरी पे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिल्म जैसे नदिया के पार बना हुआ था वैसे बन रहा है, तो आज तो हमारे दर्शक को सब लोग तो यही बोलते थे कि बलगट्टी नहीं चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए फिल्म, तो फिल्म वैसे ही बन रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा काम करके, बहुत प्राउड लग रहा है मुझे। फिल्म के डायरेक्टर साहब साथ काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिलीप जी के साथ इसके पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, और फिर सेकंड फिल्म है इनके साथ मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे हैं। फिल्म के हीरो विशाल जी हैं, मुन्ना यादव जी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, मैं इन लोगों के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तो आज फर्स्ट डे है, अब आगे काम करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि आई होप कि अच्छे ही हैं। इसके पहले तो मैंने आशिकी, प्रेम की सौगंध इनकी, और फिर धर्मा, अपराधी, अंदाज, सर 10-15 फिल्में मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को देखें और सराहें, जैसे हर फिल्म को सराहे हैं, और इन लोगों का डिमांड होता है कि साफ़ सुथरा फिल्म बनाया जाए, तो उस वेस पे फिल्म बन रहा है, और सच में रियली बहुत नीट एंड क्लीन फिल्म है ये, इसमें कोई वल्गर नहीं है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ऑडियंस बहुत पसंद करेंगे। जैसे आज तक लोग बोलते हैं नदिया के पार फिल्म कितना अच्छा था या बैरी कंगना, तो उस हिसाब से फिल्म बन रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ऑडियंस बहुत पसंद करेंगे।